अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे, बच्चों को आप वैसे घर में बनाएं, शाम को चाय के साथ बनाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े के लगते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये पफ पेस्ट्री है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में बता दी हुई है। ये पफ पेस्ट्री बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जो मक्खन मैंने घर में बनाया था उसकी रेसिपी भी मैंने दे दी हुई है। और मक्खन को मैदा गूंध के उसके अंदर रख के उसको हमने बार बार रुमाल की तरह तय लगाना था, और इस तरह हमने पफ पेस्ट्री तैयार करनी थी। ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपने चैनल में देखें, आपको आसानी से ये मिल जाएगी। ये मैं पफ पेस्ट्री ली है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमने सैंडविच बनाने हैं, और इसकी मैं कर लूँगी कटिंग। जितनी हमें चाहिए हम उतनी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये पफ पेस्ट्री की मैंने कटिंग की है। ये लेयर्स आप देख सकती हैं, ये लेयर्स आपको नज़र आ रही होगी। इसको मैंने थोड़ा सा काट लिया है। अब मैं इसके सैंडविच तैयार करूँगी। ये मैं आपको बताती हूँ हमने इसको कैसे करना है। इधर हम खुशका लगाते जाएंगे और इसको हम बेल के बड़ा कर देंगे रोटी की तरह। हमने इसको ज़्यादा नहीं करना, बस इतना बड़ा करना है कि ये बिल्कुल ब्रीक रोटी की तरह नहीं, हमने इसको बेलना। ये मैं आपको दिखाती हूँ हमें कितना इसको बेलना है। इसमें चिकन तैयार करना है, उसके लिए ये मैंने 2 टेबल ये मैंने लिए हैं चम्मच घी के। इसके अंदर हम 3 अदद प्याज डाल देंगे। आपने जितना बनाना होगा आप उतनी बना लें। मैंने 3 अदद इसके अंदर प्याज काट के ब्रीक ब्रीक से इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको हम करेंगे फ्राई। फ्लेम को इस टाइम आकर अगर आप मीडियम कर ले, हाई कर ले, कोई बात नहीं, बस प्याज को फ्राई करें। प्याज फ्राई हो रहा है, इसके अंदर जो मैंने चिकन को बॉईल किया था, आधा ग्लास पानी और नमक डाल के ये चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। और ये हमने हड्डियाँ जो लेग पीस की थी और विंग्स की हड्डियाँ थी उसको मैंने अलग कर लिया है। प्याज फ्राई हो चुका है, जितना मैंने प्याज फ्राई करना था उतना हो चुका है। इस टाइम आकर मैं इसके अंदर डालूंगी, इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगी मैदे के। मैदे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ था, जब मैदा डालेंगे उस टाइम आकर फ्लेम को हम लो कर देंगे ताकि ये चीज़ें जले ना, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इस टाइम आकर मैं इसके अंदर 1 कप दूध का डाल दूंगी। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, फ्लेम को हमने मीडियम नहीं करना, इसको लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस टाइम आकर ये जो चिकन है मैंने लिया था, आधा किलो मेरे पास था चिकन बोनलेस, उसका मैंने ये चिकन नमक और पानी डाल के इसको मैंने बॉईल किया था, इसको मैंने श्रेड कर लिया। ये चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम साथ ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम 1/2 कप पानी का और डाल देंगे क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है। 1/2 कप पानी का इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक का डाल दूंगी, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबलस्पून चाइनीज नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर मिक्स कर दिया है। इस टाइम आकर ये देखें, ये तैयार हो चुका है। इसको हम ठंडा होने के लिए किसी प्लेट में निकाल देंगे। ये ठंडा होने के लिए मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है और इसको हम 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसके अंदर ये मैं बटर पेपर रख दूंगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया हुआ है, लो फ्लेम है। इसके ऊपर मैं घी लगा दूंगी, इस पर मैं अच्छी तरह से घी लगा दूंगी बटर पेपर पर, और अगर ये नीचे भी लग जाए तो बेहतर है। सॉस पैन को भी घी लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है ताकि ये जो पेपर है वो हिले ना और आराम से ये टिक जाए। रोटी को मैंने बेल लिया था, ये देखें मैंने इतना इसको मोटा रखा है। अब हम इस टाइम आकर इसको हम इस तरीके से
इसके पीस कर लेंगे। कोई कप ले लें, कोई ग्लास ले लें, ये जो बाकी रोटी है हम सारी जो बच गई है वो हम उठा देंगे। ये जो चिकन तैयार किया था ये मैं इसके ऊपर रख दूंगी थोड़ा थोड़ा सा करके। थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरह करके इस पे चिकन रख देंगे। चिकन अभी गर्म है, इस तरह से हमने जितने पैटिस बनाने हैं उतने आप तैयार कर लें। इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये रख दिया है चिकन। चिकन मैंने डाल दिया सबके ऊपर और जो एक एक हम इसके अंदर टिक्की उठाएंगे हम इसके ऊपर डालते जाएंगे। इस तरीके से हम इसको रखते जाएंगे। ये मैं आपको ओवन के बगैर आपको बनाना बता रही हूँ, इसमें मैंने ओवन इस्तेमाल नहीं किया। हर किसी के घर में ओवन नहीं होता इसलिए मैंने ओवन के बगैर आपको बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इस तरह सा कोई ढक्कन ले ले, इसको हल्का हल्का सा हमने इस तरह दबाना है। इस तरीके से इसको दबाना है ऐसे करके। एक अंडा लिया है, अंडे को मैं फेंट लूँगी। इसके ऊपर हम अंडा लगा देंगे। अगर ओवन है तो अच्छा है, ओवन में आराम से बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। जिनके घरों में ओवन नहीं होता वो ओवन के बगैर भी ये बना सकते हैं। अक्सर लोगों को होता है कि हमारे घर में ओवन नहीं है हम किस तरह बनाएं, तो ये मैं आपको ओवन के बगैर बनाना बता रही हूँ। इस तरीके से अब हमने इसको उठाना है और इसको सॉस पैन जो मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है ये हमने उस पर रखते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस तरीके से हमने रखते जाना है। जितने आसानी से आ सकते हैं उतने हम इसके अंदर रख देंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे इसको। अब मैं इसको करने लगी हूँ कवर और इसको हम 35 से 40 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब पैटिस चेक करते हैं। ये देखिए पैटिस भी तैयार हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है। इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखें कितने अच्छे तैयार हुए हैं पैटिस। अगर आप ओवन में बनाएं तो ये और अच्छे आपके बनेंगे। अब मैं पैटिस को निकालने लगी हूँ, निकाल के तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो चिकन पैटिस तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़े के बने हैं। आप भी इसी रेसिपी के साथ घर में ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आइए, मैंने इसको फाइनल लुक दे दी है, इसको डिश आउट कर लिया है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी से बनते हैं और जल्दी बनते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए कितनी आसानी से बन गए हैं, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।